ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्लैंट है, बेसिकली स्लैंट बेसिकली हमारी आउटर पर्सनालिटी को बताती है, राइट? तो जो आमिर खान हो गए, जो आपके उनकी हैंडराइटिंग आपने देखा होगा कि पूरे राइट के तरफ झुकती है, राइट? तो वो उनकी आउटर पर्सनालिटी है। आप देखते हैं वो आसानी से रोते हैं कोई भी चीज को लेकर के, या खुश होते हैं, तो उनकी पूरी पर्सनालिटी उस चीज पे दिखती है। और जो हमारे अदर्स जो एक्टर्स होते हैं, उनकी आप देखेंगे जनरली जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, एक्सप्रेसिव एक्टर्स होते हैं, उनकी हैंडराइटिंग पूरे राइट साइड को झुकती है। और टेक एन एग्जाम्पल ऑफ, मैं यहाँ स्टेरियोटाइप कर रहा हूँ, पर जो भी अकाउंटेंट्स हो गए या मे बी आईटी प्रोफेशनल्स ये सब हो गए, या कोई भी हो गया जो अपने पे टाइम बिताना चाहता है, तो मोस्टली यू विल सी देयर हैंडराइटिंग इधर लिटिल बिट और मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ठीक है? तो एसेंशियली आपको स्लैंट के बारे में पता चल जाता है आराम से। और जो जोन्स हमने जो डिस्कस किए थे बेसिकली, वो अपर मिडिल एंड लोअर जोन, वो बेसिकली आपकी इनर पर्सनालिटी को दर्शाते हैं, मतलब कि आप अंदर से कैसे हो। तो जनरली आप जो देखते हो कि बाद में आपको पता चलता है कि काफी स्कैंडल्स हो जाते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने तो जैसे किसी का कुछ स्कैंडल हो गया, ये हो गया, तो आपको पता चलता है, तो मैंने इसको तो बहुत अच्छा सोचा था लेकिन ये तो ऐसा निकला। तो ये बेसिकली आपको जोन से पता चलता है कि ये इनर पर्सनैलिटी क्या होती है, ठीक है? और फिर जो हमारे प्रेशर का बेसिकली ये फंडा है कि जो हैवी प्रेशर हमने पहले डिस्कस किया था, तो वो बेसिकली नो, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो आप एक फिल्म आपने देखी होगी कबीर सिंह, तो उसमें अगर आप जस्ट एन एग्जाम्पल लें, तो वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम्स पे मतलब उसका बिहेवियर रहता है, राइट? तो यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दैट एज नो समवन विद अ हैवी प्रेशर। नेक्स्ट हमने बात की थी कि जो मीडियम प्रेशर है, वो बेसिकली क्या बोलते हैं, अपर हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में है। जो लो प्रेशर वाले लोग होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं कोई भी चीज को लेकर के, और वो काफी डेलिकेट होते हैं, जैसे आर्टिस्टिक टाइप लोग होते हैं, ये होते हैं, और वो कोई भी चीज रिमेम्बर नहीं करते हैं काफी आसानी से। तो वो कोई भी चीज उनको याद नहीं रहती है कि जैसे आप उनसे कुछ समय, कुछ साल पहले शायद मिले होंगे लेकिन उनको याद नहीं है, या कोई भी चीज उनके इसलिए इंसिडेंट बहुत ही आसानी से वो भूल भूल जाते हैं। कुछ लोग तो कल रात को आप मिलेंगे तो नेक्स्ट डे आप नहीं पहचानेंगे, ज्यादा ये नहीं करेंगे, तो काफी मतलब तितली जैसे टाइप के होते हैं कि एक एक्सपीरियंस से दूसरे एक्सपीरियंस, एक पूल से दूसरे पूल में वो चले जाते हैं। और आई थिंक साइज का भी हमने जो डिस्कस किया था कि जो साइज बड़ी होती है उनकी राइटिंग की, जैसे सिग्नेचर में हमने जैसे एज एन एग्जांपल लिया था कि जिनकी हैंडराइटिंग की साइज जैसे फर्स्ट लेटर बड़ी होती है, राइट? तो उनकी पर्सनालिटी ये दिखाती है कि वो काफी करिज्मेटिक होते हैं, मतलब वो इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, जैसे शाहरुख खान कहीं भी जाए या कोई भी जाए, मतलब उनको देख करके आपको लगता है हाँ कोई शख्सियत है, कोई पर्सनालिटी है, राइट? एंड नेक्स्ट हमारे जो मीडियम साइज वाले जो बंधु है, वो बेसिकली सेम लाइक प्रेशर में वो मीडियम और लार्ज साइज के बीच में आते हैं, ओके? स्मॉल साइज के बीच में आते हैं। तो जो एज एन एग्जाम्पल मैं यही लूँ, तो स्मॉल साइज वाले ये होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। जैसे एप्पल का लॉन्च हुआ, एप्पल का जो भी लॉन्च होता है, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, वो बहुत काम करते हैं। अब स्टीव जॉब्स ने आईफोन तो नहीं बनाया अपने हाथों से, राइट? लेकिन वो स्टेज पे ऐसे जाके दिखाते हैं और बोलते हैं ये आईफोन है, ये
तो लाखों लोग खरीद लेते हैं। तो कैमरे के पीछे कोई रहता है, कैमरा के आगे कोई रहता है, कोई ऐसे सेल करता है, लेकिन पीछे में जो वर्कर्स होते हैं वो इक्वली या नहीं तो ज्यादा मेहनत करते हैं, राइट। तो वो कैमरा कॉन्शियस होते हैं, कैमरा शाई होते हैं, और आप उनको काफी टाइम तक नहीं देखते हैं। तो समवन हु इज लो साइज इन राइटिंग इज समवन विद अ गुड कॉन्सेंट्रेशन। उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन एबिलिटी है वो काफी स्ट्रांग रहती है कोई भी चीज को लेकर के, और वो काफी शाई होते हैं, काफी ये होते हैं, और अपने काम में ही अकेले ज्यादा क्रेडिट नहीं लेते हैं, ज्यादा शोबाजी नहीं करते हैं, जैसे लार्ज साइज वाली हैंडराइटिंग के लोग होते हैं। तो जो लार्ज साइज के हैंडराइटिंग वाले के लोग होते हैं वो इजिली फोकस नहीं कर पाते हैं कोई भी चीज को लेकर के, लेकिन जो जहाँ पे लोगों को अपने इंप्रेशन क्रिएट करना हो गया या लोगों से बात करना हो गया, जैसे आप बैंक में गए तो एक आदमी आपसे बात करता है, या आप कहीं पे जाते हैं सेल्स पर्सन हो गया या कोई आरजे हो गया जो रेडियो पे बात करता है, या आप ले लीजिए कोई स्टेज पे बात करता है, लोगों से मिलता है, राइट। तो वो पर्सन की हैंडराइटिंग जनरली थोड़ी बड़ी होती है, राइट। अगर आप सही जगह पे आप किसी को नहीं रखेंगे, राइट, अगर छोटी वाली हैंडराइटिंग वाला पर्सन, उसको रोज लोगों से बात करना हो गया, जो शाई पर्सन हो गया, तो उनके लिए काफी मुश्किल होगा ये चीज। ठीक है, सबको समझ में आ गया, आई होप। यस ठीक है, ये मैं बोर्ड पे समझाऊं आपको कि आई थिंक दिस इज इनफ, वील गो बैक टू द बोर्ड इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, वेल जस्ट एनी क्वेश्चंस यू हैव विल जस्ट चेक विद अशोक ऑल्सो। कोई क्वेश्चंस है आपके इस चीज को लेकर के, आप मैसेज में लिख सकते हैं जो, या डायरेक्टली व्हाट्सएप पे, आई मीन व्हाट्सएप पे नहीं, चैट में आप पूछ सकते हैं या डायरेक्टली पूछ सकते हैं। You can explain like mix and match of all these three and why do they happen and what are the interpretations? ओके, सो आई थिंक आई एक्सप्लेन इट ऑल्सो कि लास्ट टाइम पे, आई विल जस्ट गेट द बोर्ड, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। ओके, तो बोर्ड पे मैं ये जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, सो हियर वी हैव लेफ्ट, एक सेकेंड, सो वी हैव
लेफ्ट स्लैंट, वी हैव राइट स्लैंट, एंड देन वी हैव स्ट्रेट स्लैंट, ठीक है, एंड देन वी हैव व्हाट यू कॉल, लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, एंड देन वी हैव स्मॉल साइज, मीडियम साइज एंड लार्ज साइज, ठीक है. सो आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल की जस्ट टेक एन ईजी एग्जाम्पल हियर. तो समवन विद अ राइट स्लैंट विथ अ राइट प्रेशर एंड लार्ज हैंड राइटिंग, दिस विल बी अ वेरी एक्सट्रोवर्टेड पर्सन. मतलब कोई ये दिखेगा कि ये बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ज्यादा फील करता है, और बहुत ही ज्यादा आउटवर्ड पर्सनैलिटी है. मतलब ये तो समन, मतलब कि जो एज एन एग्जाम्पल कंगना रनावत, ओके, तो समन जस्ट एज एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक है. तो कोई कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी बोल देता है, ना पूरा वैसे पर्सनैलिटी टाइप का है, ठीक है. और गुस्सा आता है तो गुस्सा भी कर लेता है, ये कर लेता है. तो समन लाइक दैट. सो व्हेन आई सेड कबीर सिंह, मे बी समन लाइक दैट, ठीक है. तो समन हु लाइक्स द सेंटर स्टेज और ये. पर यू नो कबीर सिंह ये, मतलब ही इज अ सर्जन, तो ही हैज टू कॉन्सेंट्रेट फॉर वेरी लार्ज पीरियड इन टाइम. तो आई डोंट थिंक कबीर सिंह इज लार्ज साइज, ही विल बी मे बी बिटवीन स्मॉल एंड मीडियम साइज, और मे बी स्मॉल साइज उसकी होगी राइटिंग की, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा लाइमलाइट के पीछे नहीं भागता है, ठीक है. सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है. सो देन वेट, आई विल जस्ट, ओके, एंड देन नाउ जस्ट चेंज द कलर ऑल्सो, ठीक. सो समन विथ लेफ्ट स्लैंट, समन विथ लेफ्ट लो, मतलब लो प्रेशर वॉज इट, ओके, एंड स्मॉल साइजेस, दिस वन हु इज अ क्लासिक इंट्रोवर्ट. सो समन मतलब बहुत ही ज्यादा शाय, बहुत ही ज्यादा अपने में रहने वाला, कुछ भी ज्यादा फील नहीं करने वाला. इनके लिए लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, इजी होती है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती है, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं रहते हैं, बट दे डोंट अचीव दैट मच इन लाइफ. मतलब अगर आप कोई भी चीज अचीव करना चाहते हैं, कुछ कोई भी चीज करना चाहते हैं, तो वो आराम से अपना लाइफ लीड करते हैं. उनके ज्यादा रिलेशनशिप्स नहीं है उनको, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, और ज्यादा फील भी नहीं करते, ठीक है. सो देर इज समन, नो यू माइट बी नोइंग लाइक दैट, पर लेकिन अगर आप सेम चीज इसमें हाई प्रेशर ले लें, करेक्ट, और स्मॉल साइज ले लें, तो ये बहुत ज्यादा फील करते हैं पर, और बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है, कोई भी चीज. में हाँ थोड़ा एक बार इसको जो स्मॉल फॉर्म का फुल फॉर्म बोल दीजिएगा, मेरा नेट चला गया था, मुझे सुनाई नहीं दिया कुछ। ये ठीक जो है, अभी अभी ये आई'ल मैंने इसी का जस्ट, ऊपर जो ठीक है, आई'ल ओके जस्ट राइट एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है, एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड, ओके, तो मैं नया व्हाइट बोर्ड, बोल दीजिए चलेगा। हाँ वेट एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है. सो आई विल जस्ट से कि मैं कहाँ था, सो ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा अलग है, जनरली आई यूज माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, पर सो दिस इज योर लेफ्ट स्लैंट, दिस इज योर स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट, एंड दिस इज राइट. दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। सबको तो दिख रहा है ना मैम, एवरीवन नो कैन इट्स सी, नॉट इट्स शोइंग अप। नो 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 नॉट शोइंग, नो यस, वेट आई विल जस्ट क्लोज द व्हाइट बोर्ड, ओके. सो
I'll just explain this and then we'll take a we have to join again. Okay. So I'll just okay. So take the category. Okay, of स्लैंड्स. ओके, सो जनरली तीन स्लैंड्स होते हैं, ये पहले आप सीख लीजिए जनरल. उससे एक्चुअली देर आर सेवन स्लैंड्स, पर अभी के लिए वी विल लर्न थ्री फॉर इट्स इजी. सो दिस इज योर लेफ्ट, दिस इज योर स्ट्रेट एंड दिस इज योर राइट. ठीक है, सो ये परपेंडिकुलर होता है, ये राइट के तरफ मतलब एक्सिस की तरफ झुका रहता है, ठीक है, और ये लेफ्ट की तरफ झुका रहता है, समझ गया ना आप. सो एंड देन जस्ट चूज विल टेक साइज हियर. साइज इज स्मॉल, दिस योर इज सेक्शन इज लेफ्ट स्लैंटेड। हाँ, दिस इज लेफ्ट राइट, आई एम राइटिंग साइज. नो नो, आई एम सेइंग योर एक्चुअल स्लैंट इज लेफ्ट राइट। नो, आई एम राइटिंग ऑन द माई स्लैंट इज नॉट लेफ्ट, बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड ना. जनरली अच्छा, जो दैट्स टीचर व्हाई इट होती है इज। उनकी हैंड राइटिंग आप देखोगे बोर्ड पे और बुक पे, वो अलग होगी, क्योंकि आपने देखा भी होगा आपके टीचर की. ओके, तो सबकी हैंड राइटिंग इस पे खराब हो जाती है, समझ रहे हैं ना, अनलेस दे आर मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस पे लिखने का. ठीक है, सो जस्ट डोंट इंटरप्ट, क्योंकि मतलब कि ये फिर से मैं बना रहा हूँ तो बिगड़ जाता है फिर. तो मैं बोलूंगा क्वेश्चंस कोई नहीं पूछता है, तो उस समय आई एम लाइक उस समय मतलब आप बीच में कोई भी, आई एम सेइंग एवरीवन इज डूइंग दैट. हाँ, तो क्लास का सर फ्लो देखिए इंटरप्ट हो ना, जाता है.